से पता लगी, मैं मोगे से आ रही थी काम करके, जैसे मैं बस में बैठी, मैं ये लेडी बैठी हुई थी, मैं इसके साथ बैठी, ये मुझे कहती कि मैं, तू ना उत्थे बह जा, साइड पे जाके बैठ जा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं आंटी। कहती यहाँ पे कोई लड़का बैठा हुआ है। मैं कोई बात नहीं आंटी, मैं साइड पे बैठ जाती हूँ। मैं साइड पे बैठ गई, ये इसका थोड़ी देर में वो लड़का आ गया। तो ये बैठी हुई थी और वो लेके आया लैक्टोजन का डब्बा। तो मैंने देखा बच्चा तो बहुत छोटा लग रहा है, दो दिन का लगा, मुझे लगा दो दिन का ही है अभी बच्चा। तो मैं जैसे ये बैठी उसके वहाँ पे बस में, तो साइड पे मैंने ना, मैं इनको काफ़ी देर तक देख रही थी, बच्चा रोने लग गया। इसने क्या किया, पानी की नई बोतल थी छोटी, वो निकाली और उसमें पानी डाला बिस्लरी का, बिल्कुल ब्रांड न्यू बोतल थी, और इसने पिला दिया। मेरे को तब शक हो गया, मैं चार दिन का बच्चा और इसने पानी की बोतल, मतलब पानी पिला रही है इसको। मैं देखती रहेगी, काफ़ी देर तक मैं इसको देखती रही। इनकी बातों से मुझे लग रहा था कि ये बच्चा ना उठाया हुआ लगता है। फिर मैंने इसे पूछ लिया, मैं आंटी ये बच्चा कितने दिन का है? कहते चार दिन का है, ये दा प्यो है, मैं दी दादी हाँ। तो मैं कहती यदि माँ तो घर है। फिर मैंने पूरा शक हो गया, मैं यदि माँ करे, मैं आंटी यदि माँ घर की कर दी है? कहते असं बाबे तो आए हैं ना मत्था टिकाण। मैं कितों आए हो? कहते दिल्लियों आए हैं, असं अच्छ सवेरे ही आए हाँ। तो असं हूँ जाके इन मत्था टिका के वापस, मैं आंटी तुम इन्ने छोटे बच्चे लैके आए हो? कहते आहो साढ़े बाबा जी ने कहा सगा। तो मैंने शक हो गया पूरा। वो तो बाद फिर मैं इनू देखती रही कितनी देर तक, आंटी कितना इनू कर रही है। फिर मैंने फिर लग गया, फिर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैं उन्होंने पूछा कि मैंने शक है बंद लेडी पर। कहते कोई गल नहीं, तू कंडक्टर ना मेरी गल करा। उन्होंने कंडक्टर नाल गल की, कहते कोई गल नहीं, मैं देख, कहते मुल्लापुर थाने रोक लेंगे। जब कंडक्टर ने बस नहीं रोकी ना, मैं देखा कि इन्हें रोकी नहीं, हूँ मैंने ही कुछ करना पैना, देखा जो होगा जो होगा। मैंने पूछा, मैं क्या मेरी गल सुन, आप यदि माँ कितने है? फिर कहते तू कौन उन्हें पूछने वाली? मैं आंटी यदि ये बच्चा थोड़ा लगता नहीं है। फिर कहते यदि माँ तो घर है, तो मैं तुम कितों आए हो? कहते असं दिल्ली आए, असं बाबे तो लैके आए हैं। बाद चो जिदा क्लीयर हों पता लगता रहा कि ये जो इन्हें मोगे तो बच्चा चक्या है, तो इतने आ गए असी, सारा कुछ इन्हें क्लीयर किया। फिर हूँ कहती है ना बच्चा मेरा है। पुलिस, मेरे हस्बैंड ने कॉन्टैक्ट किया, उनसे बात करी कि आप इनसे पूछो कि मतलब कि मतलब हस्बैंड से बात की। मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि ये सही नहीं लग रहा केस, तुसी करो। पर इन्होंने पूरा साथ दिया, कहते कोई गल नहीं तुसी ले आओ, असं देखते हैं। फिर सीधी बस वाले ने, बस कितने नहीं रोके, सीधा इतने थाने आके रोके। साड़ी सवारियां भी साढ़े नाल सीगियां सारियां। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। ये बच्चा लेने कहाँ पे आए थे आप? मैं बता तो रही हूँ, मैं यहाँ ही तो आई हूँ। बच्चे इसकी बहन की बात हुई थी मेरे से, इसने कहा चल मैं दे देती हूँ, नहीं है तुम्हारे घर में बच्चा, तो इसने मेरे को दे दिया। तो कागज की बात हुई, मैं वो नहीं लाई, फार्म फूरम भर लेंगे। मैं क्या चल कर दिल्ली का, दिल्ली आई, दिल्ली दे सारा पता करा वकील, कुछ भी नहीं होया। कपड़े बच्चे लियाई खुशी खुशी। मैं चल साढ़े घर भी 10 साल हो गए बच्चे, घर कुड़िया होनी। मैं चल मेरे घर प्यार ले गई, जो भी मेरी गोदी बैठी ना प्यार ले रही है मेरे को। आज एक कंट्रोल रूम से मैसेज आया था कि PRTC की बस में एक लेडीज़ और जेंट्स किसी न्यू बॉर्न बेबी को लेकर, बच्चे को लेकर आ रहे हैं, कि वो शकी लगते हैं। तो हमने वो बच्चे को यहाँ पे बुला करके सारा वेरीफाई कर लिया है। तो वेरीफाई करने में ये बात सामने आई कि जो ये बच्चे का जन्म हुआ था इसी 30/7/2019 को उसका जन्म हुआ था। लेकिन इसकी माँ के थोड़ी पहले 3 बेटी थी, एक और बेटी हो गई, तो इसने गोद दे दी। तो वो सारा वेरीफाई कर लिया है, लेकिन इन्होंने अभी जो लीगल प्रोसेस था वो नहीं किया, पूरा नहीं किया था। तो आज वो सारी दोनों पार्टियों की बात सारी सुन के सारा वेरीफाई कर करके वो जो लड़की है वो हमने उसकी जो असल माँ उसकी चंदा है उसके हमें हैंड ओवर करने के लिए बच्चे को हमने भेज दिया। हाँ, हमने बाहर यहाँ से टीम भी भेजी है, तो वो दोनों परिवार थे तो उनको उनके फिरोजपुर जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पे भेज। हाँ, वो पुलिस पार्टी साथ ही गई है, वहीं पे वेरीफाई हो जाएगा और वहीं पे उसको जो उसकी माँ को उसको हैंड ओवर की बच्ची कर देंगे। वो तो जो भी बात सामने आई कि वो दिल्ली के रहने वाली हैं, तो जो लड़की की मासी थी
तो पवित्र उसका नाम है, तो उसी के माध्यम से जो सारा जो है बात हुई थी। कोई ऐसी बात नहीं है कोई जो इलीगल कोई ऐसी बात नहीं सामने नहीं। वो यही था कि जो लड़की की जो लेडी से लड़की को लेके जा रही थी उसके जो बच्चे हैं उनके औलाद नहीं है, 8-10 साल शादी को हो गए हैं, इसी वजह से उन्होंने आपसी सहमति से ही ये सारा काम किया था। तो अब हमने जो लड़की है जो वो उनकी सहमति से दोनों परिवारों की सहमति से उसके जो माँ के पास भेज दी। Thank you.